हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में न्यू लेयर विया कट और न्यू लेयर विया कॉपी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। ये दोनों ऑप्शंस आपको लेयर मेन्यू में मिलते हैं। हम यहाँ पर एक बार लेयर मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं न्यू। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ऑप्शंस हमें यहाँ पर मिलेंगे, लेयर विया कॉपी देन लेयर विया कट। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे लेयर विया कट के बारे में, जिसके लिए सबसे पहले हम इस इमेज के किसी पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर टूल बॉक्स में जाएंगे। सपोज हम यहाँ से इलिप्टिकल मार्क्यू टूल को सेलेक्ट करते हैं और इस इमेज के इस पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से लेयर मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन न्यू। और अब हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं लेयर विया कट। आप कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल जे प्रेस करके भी इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेयर पैलेट में इसने जो है लेयर वन के नेम से एक न्यू लेयर यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अगर हम यहाँ पर लेयर वन के आई के आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, मीन्स लेयर वन के कंटेंट्स को हाइड कर देते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल लेयर में बैकग्राउंड वाली जो हमारी ओरिजिनल लेयर है, आप वहां पर देख सकते हैं जो पोर्शन हमने इमेज का सेलेक्ट किया था, इसने वो पोर्शन यहाँ से कट कर दिया। और इसने हमें यहाँ पर बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में लाइट पिंक कलर सेलेक्ट किया था, इस वजह से इसने हमें यहाँ पर उस पोर्शन को कट करके बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले कर दिया है। और अगर हम यहाँ पर लेयर वन को शो करते हैं, हम फिर से आई के आइकन पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम बैकग्राउंड वाली लेयर को हाइड कर देते हैं, जिसके लिए हम आई के आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने जो है जो पोर्शन हमने ओरिजिनल लेयर पर सेलेक्ट किया था, वहां से इसने उसे कट करके लेयर वन पर पेस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह लेयर विया कट ऑप्शन का यूज करने से ओरिजिनल लेयर के ऊपर जो सिलेक्टेड पोर्शन होता है वो वहां से कट हो जाता है और न्यू लेयर के ऊपर पेस्ट हो जाता है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर लेयर विया कॉपी ऑप्शन के बारे में जानेंगे। पहले हम यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल जेड की प्रेस करते हैं इसको अंडू करने के लिए। लेयर विया कॉपी ऑप्शन का यूज करने के लिए भी हम यहाँ पर अपनी इमेज के इसी पोर्शन को सेलेक्ट रखते हैं, देन यहाँ से हम लेयर मेन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं न्यू। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लेयर विया कॉपी, जिसके लिए आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते आप यहाँ पर ध्यान देंगे लेयर पैलेट में लेयर वन के नेम से एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है, जैसा कि लेयर विया कट के ऑप्शन में भी क्रिएट हो गई थी। आप यहाँ पर देखेंगे अगर हम यहाँ से बैकग्राउंड लेयर पर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड लेयर जैसे पहले थी वैसे ही अभी है, मीन्स एज इट इज है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड लेयर के थंबनेल पर कि जो पोर्शन हमने लेयर विया कॉपी के थ्रू लेयर वन में पेस्ट किया है वो भी बैकग्राउंड लेयर पर शो हो रहा है, मींस ओरिजिनल लेयर से कट नहीं हुआ है बल्कि वहां से कॉपी हुआ है। अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर देते हैं, हम यहाँ पर आई वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हैं लेयर वन के ऊपर जो पोर्शन हमने ओरिजिनल लेयर का सेलेक्ट किया था और जब हमने लेयर विया कॉपी ऑप्शन का यूज किया, वो पोर्शन लेयर वन के ऊपर पेस्ट हो गया है। हम यहाँ से फिर से बैकग्राउंड लेयर को अनहाइड करते हैं। तो लेयर विया कॉपी ऑप्शन में इमेज का सिलेक्टेड पोर्शन न्यू लेयर पर पेस्ट हो जाता है और लेयर विया कट ऑप्शन में सिलेक्टेड पोर्शन इमेज का ओरिजिनल लेयर के ऊपर से कट होकर न्यू लेयर पर पेस्ट हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम शॉर्टकट कीज की हेल्प से अपनी इमेज को नेविगेट करना सीखेंगे। अभी आप यहाँ पर अपनी इमेज के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर ध्यान देंगे। हमने अपनी इमेज को 200% तक जूम किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर विंडो मेन्यू में जाएंगे और नेविगेटर पेन को ओपन करेंगे। हम यहाँ से विंडो मेन्यू पर क्लिक करते हैं, देन हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे नेविगेटर। नेविगेटर पेन हमारे सामने डिस्प्ले हो गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेविगेटर पेन में हमने किस एरिया को, मीन्स अपनी इमेज के किस एरिया को अभी यहाँ नेविगेट किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेड रेक्टेंगल ने किस एरिया को यहाँ पर नेविगेट किया है। तो अब हम यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से अपनी इमेज को नेविगेट करेंगे। अगर आप अपनी इमेज को वन स्क्रीन अप या वन स्क्रीन डाउन करना चाहते हैं, सपोज हम अपनी इमेज को वन स्क्रीन अप करना चाहते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट की हेल्प से, तो हम कीबोर्ड के थ्रू पेज अप की को प्रेस करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे नेविगेटर पेन में कि जैसे ही हमने पेज अप की को प्रेस किया, तो इसने जो है इमेज को वन स्क्रीन अप स्क्रॉल किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
इसी तरह अगर हम कीबोर्ड के थ्रू पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो ये वन स्क्रीन डाउन स्क्रॉल होता है। हम यहाँ पर पेज डाउन की को प्रेस करते हैं, आप देखेंगे ये जो है वन स्क्रीन डाउन हुआ है। हम फिर से यहाँ पर पेज डाउन की को प्रेस करते हैं, मीन्स अगर आप कीबोर्ड से पेज अप की को प्रेस करते हैं तो ये वन स्क्रीन अप स्क्रॉल करता है, और अगर आप कीबोर्ड से पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो ये वन स्क्रीन डाउन स्क्रॉल करता है। एक चीज आप यहाँ पर और ध्यान देंगे कि अगर हम कीबोर्ड से पेज अप या पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो ये कितना क्विकली हमारी स्क्रीन को स्क्रॉल करता है। अगर हम चाहते हैं कि ये स्लाइटली मीन्स स्मॉल इंक्रीमेंट में स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करें तो हम कीबोर्ड से अब शिफ्ट के साथ पेज अप की को प्रेस करते हैं। हम यहाँ पर कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप की को प्रेस कर रहे हैं तो आप देखेंगे कितना स्मॉल इंक्रीमेंट में इमेज को ऊपर की तरफ नेविगेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज डाउन की को प्रेस करते हैं तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट में नीचे की तरफ इमेज को स्क्रॉल करता है, आप देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली मूव करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप की को प्रेस करके रखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली मूव करेगा, आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ पेज डाउन की को प्रेस करके रखते हैं तो ये कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ मूव करता है। इसी तरह अगर आप अपनी इमेज के टॉप लेफ्ट डॉक्यूमेंट को व्यू करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से होम की को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे इसने जो है यहाँ पर हमारी इमेज के टॉप लेफ्ट कॉर्नर को यहाँ पर व्यू किया है, आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप कीबोर्ड से एंड की को प्रेस करते हैं तो ये इमेज के बॉटम राइट कॉर्नर को व्यू करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेविगेटर पेन में। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लेफ्ट साइड को व्यू करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट को मीन्स हमारी इमेज के लेफ्ट साइड को व्यू कर रहा है। हम फिर से यहाँ पर कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करते हैं तो ये लेफ्ट साइड को व्यू करेगा, और अगर हम यहाँ पर राइट साइड को व्यू करना चाहते हैं तो हम फिर से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और पेज डाउन की को प्रेस करेंगे तो ये राइट व्यू दिखाता है। लेफ्ट साइड के लिए आप कंट्रोल के साथ पेज अप की को प्रेस करेंगे और राइट साइड के लिए आप कंट्रोल के साथ पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। इसी तरह अगर अब हम यहाँ पर स्मॉल इंक्रीमेंट में मीन्स स्लाइटली अपनी इमेज के लेफ्ट व्यू को देखना चाहते हैं तो अब हम यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप की को प्रेस करते हैं तो ये स्मॉल इंक्रीमेंट में लेफ्ट साइड को व्यू करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर आप स्मॉल इंक्रीमेंट में राइट व्यू देखना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन की को प्रेस करेंगे। और अगर अब आप यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली लेफ्ट साइड को व्यू करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और पेज अप की को प्रेस करके रखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूसली आपको लेफ्ट साइड व्यू करेगा, आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर हम यहाँ पर कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन की को कॉन्टिन्यूसली प्रेस करके रखेंगे तो ये राइट व्यू हमें डिस्प्ले करता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपनी इमेज को शॉर्टकट कीज की हेल्प से क्विकली नेविगेट कर सकते हैं।